अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। आज की हमारी वीडियो है रेड रेडिश के ऊपर, लाल मूली के ऊपर, कि लाल मूली को आप इजीली अपने घर के अंदर किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर है। हमने लगाई थी लाल मूली, इसकी हमने सीडलिंग के जो वीडियो अपलोड की है उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने इसके बीजों को किस तरीके से लगाया था। और उसके बाद अब हम आ गए हार्वेस्ट स्टेज के ऊपर, मतलब इनको निकालने वाले स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि अब इनको निकालेंगे और खाएंगे, कि इसको लगाने का सीज़न अभी है या नहीं है। अभी इसका सीज़न फुल चल रहा है, नवंबर का मंथ चल रहा है, नवंबर और दिसंबर के मिड दिसंबर तक भी आप इसके बीजों को इजीली लगा सकते हैं। और उसके बाद एक माह आप डिले करेंगे और फरवरी के शुरू में दोबारा रेड रेडिश को आप लगा सकेंगे इजीली अपने घर के अंदर। तो इसके बीज लगाना बहुत ही सिंपल तरीका है और इसके लिए इतनी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं है। मिट्टी की डेप्थ तकरीबन 3 से 4 इंच के अंदर होनी चाहिए और चौड़ाई जितनी मर्ज़ी आप ले लें, जितना आपका दिल कर रहा है। और एक मूली से दूसरी मूली का फासला आप 2 से 3 इंच भी रख सकते हैं, तो इसमें बीच में आप देख भी सकते हैं कि 2 से 3 इंच भी फासला और ज़्यादा फासला भी है। ज़्यादा फासला इसलिए कि यहाँ से हमने मूलियों को निकाल लिया था। अभी कुछ बड़े साइज़ की हो गई हैं, कुछ नॉर्मल साइज़ की अभी चल रही हैं। तो अभी जो आप रेड रेडिश को लगाएंगे, मतलब लाल मूली को अभी जो आप लगाएंगे, वो बहुत ही मज़ेदार होगी, मीठी होती है, खाने वाली होती है। तो वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मीठी से बेहतर कड़वी मूली होती है। इनमें से कुछ मूलियों को निकालते हैं, ये चेक करें, ये देखें है ना, मज़ेदार लग रही हैं वैसे भी मूलियाँ ये। तो ये देखें कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत मूलियाँ हैं हमारी, और इनको हार्वेस्ट करें बहुत प्यार से। जितने प्यार से हमने इनको लगाया था उतने ही प्यार से हम इनको तोड़ेंगे भी यहाँ से। अभी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, तो जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उतनी मैंने यहाँ से निकाल ली हैं। और ये अच्छे साइज़ की हमें यहाँ से मूलियाँ मिली हैं, और ये देखें अभी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, अभी 1-2 दिन के अंदर इनका साइज़ और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ भी मैं आपको बताऊँ कि इनको आप खाद, गाय का गोबर और मुर्गियों की बीठें अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मुर्गियों की बीठों के बारे में आपको एक बात बता दूँ कि वो आपने किसी मुर्गी खाने से लेनी है, जो उन्होंने बाहर ढेर लगाया होता है वहाँ से आप 100 रुपीज़ में आपको वो काफ़ी ज़्यादा दे देंगे, तो वो आपने ला के रखनी है। और ये तमाम सब्जियों के लिए बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद है, इस जैसी आपको ऑर्गेनिक खाद कहीं से भी नहीं मिलेगी। और शायद मैं वाहद बंदा हूँ, नहीं हो सकता शायद, जो आपको ये डिटेल बता रहा है कि इस खाद से बेहतर कोई भी खाद नहीं, गाय का गोबर भी इतना बेहतर नहीं जितना आप ये मुर्गियों की बीठें इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, गाय के गोबर के ऊपर और मुर्गियों के बीठों के ऊपर ये खादों का, ये विंटर सीज़न की बेहतरीन किस्म की खादें हैं, और वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। और मुझे ये बता दीजिएगा कि वो वीडियो कितनी जल्दी आपके लिए अपलोड करूँ। और इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए वेजिटेबल के ऊपर, ताकि वो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर सकूं और आप भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और अपनी घर के छत के ऊपर सब्जियां लगा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।